एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन रानी शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दी में खांसी, जुकाम, बलगम और कमज़ोरी से कैसे बचें। इससे पहले मैं अपने इस वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए बात करते हैं किन 5 बातों का ख्याल रखना है इस ठंड में और किन 5 बातों से हमें बचाव करना है जिससे कि हमें सर्दियों में खांसी, जुकाम, बलगम और कमज़ोरी ना हो। पहली चीज़, ठंडी खाने की चीज़ें फ्रिज से सीधा निकला हुआ खाना, चाहे जो भी हो, उसे नहीं खाना है हमें। पहले उसे रूम के तापमान पर आने देना है, उसके बाद उसका सेवन करना है। दूसरी, आयुर्वेदा में भी कहा गया है सर्दियों में ठंडी चीज़ें जैसे दही, लस्सी इत्यादि का सेवन नहीं करना है। इसकी जगह पर आप बादाम का दूध, कोकोनट मिल्क, ओट्स मिल्क एवं राइस मिल्क का सेवन कर सकते हैं। रागी का शीरा एवं बेसन का शीरा भी आप पी सकते हैं। तीसरी चीज़ें प्रोसेस सामान, डब्बा बंद सामान, उसका सेवन ना करें। उसमें इमल्सीफायर एवं प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों के सेवन से बलगम ज़्यादा बनता है और कमज़ोरी भी रहती है। चौथी चीज़ें फ्राइड फूड अवॉइड करें, तला हुआ भोजन का सेवन ना से ना करें। सर्दियों में पकौड़े, पराठे खाने का बहुत मन करता है, परंतु यह भी ध्यान दें कि हमारा सर्दियों में फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम होता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न और बढ़ता चला जाता है। सर्दियों में खाना पचने में बहुत वक्त लगता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और बढ़ता चला भी जाता है। फ्राइड फूड के बदले रोस्टेड, स्टीम की हुई चीज़ें का सेवन कर सकते हैं और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल से दूसरी चीज़ें भी बनाकर आप ले सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ें, चाय और कॉफ़ी ठंड में सेवन अत्यधिक करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। सर्दियों में चाय की जगह आप हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन की वजह से हमारा वज़न भी बढ़ता चला जाता है और उच्च रक्तचाप भी होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सर्दियों में कम से कम चाय कॉफ़ी का सेवन करें। कुछ बातों का ख्याल रखते हुए सर्दियों में एक खुद का ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डीटी रानी शर्मा, दैट इज़ डाइटिशियन रानी शर्मा। थैंक यू सो मच।